बोलो चंद्रिका माता की उठो बस उठो, भगवान सब ठीक करेंगे। धन्य है पुल टूटने के बावजूद भी आप इतने कठिन रास्ते से चलकर माता के दरबार में आए हैं, तब तो आपके संकट से ज्यादा आपकी श्रद्धा का पड़ा जरूर भारी साबित होगा। बोलो माता की। रणवीर बेटा बोलो। हाँ अच्छा ओके ओके बेटा। वसु तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा संकल्प सफल हो गए, माता ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। वसु साधना का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। इट्स ऑल ऑफ डेंजर वसु। सच ये तो वाकई में मिरेकल हो गया। ऑपरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, पर आप लोगों की सच्ची प्रार्थना काम आई और ईश्वर ने ये मिरेकल कर दिया। डॉक्टर क्या मैं साधना से मिल सकता हूँ? पहले हम उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दें, उसके बाद आप एक एक करके मिल सकते हैं। सर हमने साधना जी को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया है, उन्हें अभी अभी होश आया है। वेरी गुड, आप में से कोई एक अंदर जा सकता है। अरे भैया आपको पता है ये सब कुछ क्यों हुआ? मॉम की वजह से, उनकी वजह से साधना माँ भी ठीक हो गई है। मॉम को तो बस बिगाड़ना आता है, सही करना नहीं। जिंदगी को तोड़ने में वो जो ताकत लगाती है उनको किसी की क्या परवाह। व्रत तोड़ेंगी ना? हाँ बेटा, अब कोई शिकायत नहीं है प्रभु से। अब साधना जी कैसी हैं? आनंद जी आप कहाँ गए थे, घर गए थे क्या? वो एक्चुअली मेरा दिल बड़ा कमजोर है,
हॉस्पिटल का माहौल देखकर घबराहट सी होती है, पर सही समय वापस तो लौट आया हूँ मैं साधना जी का हालचाल पूछने। साधना भी खतरे से बाहर है, ऑपरेशन कामयाब हो गया। इसी बात पे आप चाय पीजिए। ओह सॉरी, मैं तो भूली गई, आप चाय तो पीते हो ही नहीं, आप तो सिर्फ पिलाते हो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी आनंद बाबू कि आपने ना जाने क्या खास है, जहां भी जाते हैं माहौल को खुशगवार बना देते हैं। इसे कहते हैं दरिया दिल, इसलिए तो मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। मुझ जैसे मामूली चेले की तारीफ में आपने ऐसे अनमोल वचन कह दिए, मैं तो धन्य हो गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वो क्या है कि मैं ज्यादा देर हॉस्पिटल में रुक नहीं सकता। साधना जी को मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा। अच्छा सर, नमस्ते। हाँ सब हॉस्पिटल में, हाँ ऑपरेशन हो गया है, 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। दिल जानिया मेरे, दिल जानिया, दिल जानिया मेरे, दिल जानिया, ये नजर जहां तक जाए, नजर आए तुम वहां, ये नजर जहां तक जाए, नजर आए तुम वहां, तुम ही हो, तुम ही हो मेरे दोनों जहां, तुम ही हो, तुम ही हो मेरे दोनों जहां। दिल जानिया मेरे, दिल जानिया, दिल जानिया मेरे, दिल जानिया। साधना अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हमेशा तुम दूसरों के बारे में सोचती रहती, कभी अपने बारे में भी सोचा तुमने? आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जल्दी से ठीक हो जाओ साधना, प्लीज। कैसी तबीयत है तेरी? ठीक तो है ना मेरी बच्ची? हाँ साधना, तुम कुछ कहना चाहती हो? आग में मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बोलो, आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए।
साधना, मम्मी जी साधना खतरे से बाहर है। होश में आते ही उसने सबसे पहले आपके बारे में पूछा कि आप कैसी हैं। चलिए मम्मी जी, अपनी साधना से मिलिए चल के। गलत कमरे में जा रही हैं शायद। यहां मेरी साधना है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, सो प्लीज ये सब रहने दीजिए। भैया रणवीर प्लीज। हम तो आज साधना का जो हाल है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। यही चाहती थी ना, शुरू से कितनी नफरत करती आई हैं आप मेरी साधना से, उसे मेरी जिंदगी से निकालने की कितनी कोशिश की आपने, और जब आपकी कोशिशें नाकाम हुई तो ऐसी घटिया चाल चली आपने। जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मम्मी जी दो दिन में घर पे लेने गई थी, जब वो हादसा हुआ आप मम्मी जी को गलत समझ रहे हैं। हाँ ले बेटा, रागिनी बिल्कुल सच कह रही है, वसु वाकई में बदल गई है बेटा। वो कितनी मुश्किलें उठाकर माता के मंदिर गई थी साधना की जिंदगी के लिए मन्नत मांगने। अलेक, सिर्फ एक बार हमें साधना से मिले तो हम उसकी बेहतरी के लिए उसके लिए दुआ मांगने गए थे। ये देखो, हम उसके लिए प्रसाद लेकर आए हैं, बस एक बार हमें ये प्रसाद देने दो, वरना हमारी प्रार्थना सफल नहीं होगी। अनेक एक बार प्रसाद, पता नहीं प्रसाद के नाम पर आप क्या लाई जिससे साधना की लौटी हुई जिंदगी फिर से छिन जाए। अनेक, हम जानते हैं जो कुछ हुआ उस वजह से तुम शक कर रहे हो हम पर, लेकिन हमारा यकीन मानो वाले, हमने कुछ नहीं किया है, हम सच्चे दिल से आए हैं साधना के लिए। मैं आपका यकीन नहीं कर सकता माँ, क्योंकि आप यकीन करने के लायक ही नहीं। अलेख बाबू, बड़ों से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। और बड़े मामा जी, अगर वो बड़े ही गलत हो मामा जी तो क्या करें, कैसे उनके यकीन करें। आग में साधना को जला नहीं पाई तो प्रसाद में जहर मिला के ले आई बस। आले बहुत बोल चुके तुम, और खबरदार जो अपनी मां से इस तरह से बात की तुम। अरे तुम्हें अंदाजा भी है तो उसने साधना के लिए क्या किया है। ब्रिज टूटने के बाद मंदिर का रास्ता बंद हो गया था, पर वसु ने हार नहीं मानी। कच्चे रास्ते से मीलों दूर नंगे पांव चली गई है। जंगल के उस पथरीले और कांटों भरे रास्ते पर कितनी बार गिरी है, अरे पांव से खून निकलने लगा था, पर वो नहीं रुकी, वो चलती रही सिर्फ साधना की खातिर। अरे कभी तुमने अपनी मां को किसी के लिए इतनी तकलीफ सहते हुए देखा है। और ये भी सच है आलेख कि कल रात तुम्हारी माँ तुम लोगों के घर तुम सबको लेने गई थी। ठीक है, चलिए मान लिया कि माँ कल हमें लेने आई थी, लेकिन माँ
कि आप सच्चे दिल से साधना को भी लेने आई थी। आपको याद होगा ना माँ कि घर छोड़ते हुए मैंने आपसे क्या कहा था। साधना को ना इस घर में कभी इज्जत मिली ना कभी इज्जत मिलेगी, और जिस घर में मेरी पत्नी का सम्मान ना हो मैं उसे उस घर में नहीं ला सकता। जवाब दीजिए माँ, जब आप हमें लेने आई थी तो साधना को मेरी पत्नी और अपने खानदान की बहू का सम्मान देने आई थी, बोलिए। ऑफ कोर्स आलेख, बस तू यही तो चाहती थी। आलेख, हम मानते हैं कि जब हम तुम दोनों को लेने आए थे ना तो उस वक्त हमें हर हाल में हमारे बेटे वापस चाहिए थे, और ये भी सच है आलेख कि अगर हम वहां से साधना को ले जाते तो वो हमारी मजबूरी होती। लेकिन जब साधना ने अपनी जान हमारे लिए दांव पर लगा दी हमें बचाने के लिए, तब हमें एहसास हुआ कि हमने उसे समझने में बहुत बड़ी भूल की है, और इस भूल के लिए हम शर्मिंदा है आलेख, शर्मिंदा है हम। बस एक बार हमें उसके पास जाने दो आलेख, ताकि हम उसे देख ले, उसे मिल ले, और हमें चैन पड़ जाए। वरना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आलेख। आलेख प्लीज एक बार हमें उसके पास जाने दो। तुम्हें अब भी यही लग रहा है ना आलेख कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ठीक है, शायद यही हमारा प्रायश्चित है। आपका प्रायश्चित पूरा कैसे होगा? जब तक आप अपनी आंखों से ये नहीं देख लेते कि आपकी रक्षा करने वाली की क्या हालत है आपकी वजह से, माफ कर दो साधना, माफ कर दो हमें। अच्छा हो तुम सो रही हो, वरना हम तुमसे नजरें नहीं मिला पाते। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए साधना,
तुम्हारी अच्छाई को भी नहीं देख पाए। इतनी बड़ी भूल कर बैठे हम। क्यों बचाया तुमने हमें? क्यों बचाया? जलने दे रहा था उस आग में। यही हमारी सजा। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।